नमस्कार, स्वागत करुच्ची गल्लांग ओडिशार स्पेशल वीडियो को। अनेक भाई मानकर गोटे मात्र प्रश्न बहुत मात्रा आसी थाए कि सर एमती कौन मेडिसिन दिंतु एमती कौन उपाय गोटे कहतु जो थी कि आम टाइमिंग बढ़ी पार। टाइमिंग कहले मिलामिशा करने समय जो समय कौ मैंने बहुत किसी लोक एमती भी अच्छा जो मैं अभियोग था कि सर आम अधा मिनट हो गोटे मिनट हो डिस्चार्ज हो जाऊँ जो थी कि आम दाम्पत्य जीवन मैंने सुख अनुभव करें तो यहाँ कौन समाधान अच्छी एलोपैथिक कि होमिओपैथिक यार कौन समाधान अच्छी मुझे जाणी ना कि नेचुरोपैथी आम जोटा कि आयुर्वेद बोली कहे से कौन तार समाधान विधि अच्छी मुझे वीडियो में कम्प्लीटली आपको बतेबी। थरे जदि आपण मैंने बुझी जाऊँगी जीवन सारा के प्रश्न पचारे कि व्यर्थ मात्रार व्यर्थ चिंतार निजर समय को नष्ट करेंगे ना बोली मोर आशा। वीडियो को शेष पर्यटन देखापी अनुरोध नुआक आसते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आसो वीडियो गुड़ाक देखिपारे भल लगे लाइक देवे जब खराब लगे डिसलाइक देवे किसी भी प्रश्न थे कमेंट करने को जमार भूलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करवा पूर्व मुझे पुणी थोड़े से ही प्रश्न पचारूँ कौन आपण प्रॉब्लम अच्छी जदि अच्छी तेल वीडियो को शेष पर्यटन देखि ताकि आपण को डाउट सब क्लीयर हो से प्रश्न मन भितर को आने के प्रश्न पचारे ना। आयुर्वेद जो विधि बता जाए से विधि कौन से सहज विधि नुहे से वर्णना कर मिनिमम 9 मासर गोटे अनुष्ठान करने पड़ो 9 मास नौमास कह 9 × 37 जब आम हिसाब करवा 270 दिन 270 दिन आपण मानक एमती एक जीवनशैली बचापी पड़ो जहाँकि तपस्या कहले कि भूल हम ना जहाँकि कष्ट बर्वरित कहले कि भूल हम ना। सका उठवा सफिसीएंट मात्रा 30-35 मिनिट प्राणायाम अभ्यास करवा जोगासन जोगासन कहले आम पाद पश्चिमतासन एवं आम सर्वांगासन अच्छी हलासन गोटे अच्छी वज्रासन अच्छी बास यही कतोटी आसन जब आप कंटिन्यू भाव में दीर्घ समय पर्यंत अभ्यास को जारी रखुंत 9 मास पर्यंत ताहले शरीर भितर बहुत गुड़ा परिवर्तन हो एवं जहाँ भी किसी सिस्टम शरीर भितर बिगड़ जाइए से सब जिन भी ठीक होबार 100 to 1000% चान्स अच्छी जदि आप 9 मास पर्यंत ए विधि को करूँगी प्रॉपर टाइम अनुसार आपड़ करेंगे तेल ही सब जिन लाभ आपने बहुत मात्रा पाइपर ना आपण समय अधिक बढ़ी पार। एवं सकाळ समय खाइबा संपूर्ण रूपे फलमूल आहार हो क्षीर आहार हो ताकि संपूर्ण रूपे शुद्ध पवित्र आहार हो कौन से प्रकार ननभेज जिनस एड हो न मन भी पवित्र रहा आवश्यक शरीर भी पवित्र थोड़ा आवश्यक एपरी क्षेत्र में आज जहाँ भी किसी खाद्य खाइबे देह औषध रूप से कार्य कर आयुर्वेद में वर्णना कर खाली से नुहे अति साधारण भाव में सब लोग जानते कि कौन सी प्रकार जदि आपण शरीर ताकत बढ़िवार अच्छे भाई अश्वगंधा खाओ ताकत बढ़िवार अच्छे कि अमुक खाओ अरे भाई कौन से व्यतीत कौन आ संसार किसी ना अच्छी 12 प्रकार आपण को वनौषधि संग्रह करने पड़ो जो गुड़ी आपण को उचित भाग मात्रा रे मिक्स करी ताको आपण को क्षीर सहित सेवन करने पड़ो जदि आप लंबा समय पर्यंत ये सेवन करूँ ताहले आपणकर जो टाइमिंग प्रॉब्लम से पूर्व भली आपणकर हम जमी आपणकर प्रथम थिला ठीक सेमती ही आपणकर फेरिक आसीबो एतिकी पर्यंत ठीक ठाक ठीक अच्छे सर आम करदेबू कि असुविधा नहीं सर आम कर 9 मास कौन आम 9 वर्ष करदेबू किंतु सबुठारु इम्पोर्टेंट जिनस होउछि एटा कि आपणकु ब्रह्मचर्य पालन करने पड़ो ब्रह्मचर्य कौन से दिन भितर जाने सुनी केबे भी आपण माने आपण शरीर भितर निजर वीर शक्ति को निजर ताकत को केबे भी आपण माने नष्ट करिवे नाही अर्थात जहाँ देह रे तैयारी होबो से सब ही डिपोजिट हो रही देह भितर जमी जदि ता प्रति आपण माने जत्नशील हो पारे ता प्रति जदि आपण माने संयमित जीवन जापन करें तो भरोसा अच्छे निश्चित रूप आपन को बेनिफिट मिल पार। बहुत गुड़ा लोक मैंने कहे कि सर मुझे अमुक जगह औषध खाई ठीक ठाक हो गला बहुत जगह लोक मैंने कह सर अमुक जगह खाईदेली 2-3 मास मोर तो ठीक हो निजे थोड़ा छाती में हाथ मारिक देख आपण को से बेनिफिट केते दिन मिली औषध सेवन करने आपण को जो बेनिफिट आप आशा करते से आशाटी से इच्छा से टाइप फल आपन को केते दिन मिलता यहीटा भी निजर मन भितर को आणतु लक्ष्य रखु क्या बका बनला भाया कथ कहे ना जो आपणकर घर मानक परिस्थिति आप निजे ही बुझीपे किंतु से आम तथा बचा केमी सब बचार उपाय थोड़े जब आप जीवन ये समस्या आसी जाइए ताको ठीक करने तो ये गोटे उपाय आप परमानेंट उपाय बतैली जहाँकि आयुर्वेद में वर्णना करमती तो जो मैंने बहुत करता एक जिन पसिबल हाँ
ମାନେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ 4 ମାସ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକି ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି ଘେରିଦେବା ସବୁଆଡ଼ୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେହରେ ତାକତ ମିଳିପାରିବ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଏକ ତ ଆମେ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ, ଔଷଧରେ ଆମକୁ ତାକତ, ଔଷଧର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାକତ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାର ତାକତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧରେ ଅଛି। ଏକରେ ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ ସେ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାକତ ଦେବ, ଭିଟାମିନ୍ ଦେବ, ସେଥିରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପାଣି। ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ସର୍ବତକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମହୁ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗିଲୋଇ ଜୁସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାକତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଔଷଧ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାୟୁର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପକୁ ଜାଳନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ତୁଳସୀ ବଗିଚାରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ସକାଳ ସକାଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗାସନ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେହକୁ ତାକତ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନର୍ମାଲି ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେମାନେ ହୁଏତ 60-70% ଦୂର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବିନା କିଛି ଟେନସନରେ ଯେଉଁ ତାକତ ଥିଲେ, ସେମିତି ତାକତକୁ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ 21 କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନଥିବ, ତା ଦେହ ଭିତରେ ଯେମିତି ତାକତ ମିଳିବ ନା, ସେ ତାକତ ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ ତାକତ ନଥିବ। ପିଲାଟି ପାଖରୁ 21-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସେ ଗଲତି କରିନଥିବ, ତା ତାକତ ଆଗରେ ସାରା ଦୁନିଆ ହାର ମାନିଯିବ। ତ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଟାଇମିଂ ପାଇଁ ହଜାର ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି। ନମସ୍କାର।